हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें दे रखा है कि एक सिलेंड्रिकल बीकर है जिसके अंदर वाटर है। फिर क्या किया गया फ्रेंड्स, इस बीकर को इसके एक्सिस के अलोंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घुमा दिया गया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ घुमा दिया गया। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, जब पानी को है ना किसी बाल्टी में पानी को ऐसे किसी बाल्टी में पानी हो और बाल्टी को जोर से घुमाओ तो फ्रेंड्स क्या होता है, पानी जो है वो बाल्टी की बॉर्डर की तरफ चढ़ने लगता है। तो फ्रेंड्स कुछ ऐसा पैराबोलिक शेप बन जाता है। तो फ्रेंड्स हमसे पूछा गया है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस से आर डिस्टेंस पे प्रेशर की वैल्यू बतानी है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स कैसे बनता है इसका सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये तो हमारा बीकर हो गया, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है और हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर डिस्टेंस पे बताना है प्रेशर। तो फ्रेंड्स ये पैराबोला है ना फ्रेंड्स, इसकी यहाँ पे वाटर की जो हाइट है वो डिफर कर रही है आर की हर वैल्यू के लिए। ये हाइट जो है जिसको कि वाई बोला गया है वो डिफर कर रही है। यहाँ पे वाई की वैल्यू अलग है, कुछ इतनी है, यहाँ पर कुछ इतनी है ना। तो फ्रेंड्स ये वाई की वैल्यू चेंज कर रही है और फ्रेंड्स इस वाई की वैल्यू से ही हम ये बता पाएंगे कि इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर किसी एक पॉइंट की बात करें कि प्रेशर कितना है तो वो कितना हो जाएगा, P0 plus रो जी वाई, यही होता है फ्रेंड्स फॉर्मूला। जैसे ये पी नॉट है, ये सरफेस हो गई, सरफेस की तरह कंसिडर होगा, ये हाइट वाई है। तो यहाँ पे हमें प्रेशर बताना है तो कितना होगा यहाँ पे प्रेशर, पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस रो जी वाई, यही तो होगा, यही है हाइट। तो फ्रेंड्स हमें इस वाई की वैल्यू चाहिए और फ्रेंड्स क्योंकि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो फ्रेंड्स हमें इस पानी के स्लोप के बीच और इस एंगुलर वेलोसिटी के बीच कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो क्या करें फ्रेंड्स एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक जैसे ये स्लोप मान लेते हैं कि ये है स्लोप पानी का। तो फ्रेंड्स इस पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होगा कि कोई एक मॉलिक्यूल जो यहाँ पर है उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा। कितना फोर्स लग रहा होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर या इसको mv² / r भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें उसकी बात दी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी की बात कोई है नहीं तो इसीलिए यहाँ पे mr² लिखेंगे। तो mr² दूसरा अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, mg लग रहा होगा। तो फ्रेंड्स जो नेट फोर्स इसको होल्ड करके रखा हुआ है F नेट, उसकी वर्टिकल से एंगल की बात करें तो वो कितना होगा फ्रेंड्स, इसको देखिए, ये चीज समझनी बहुत क्रिटिकल है। ये नेट फोर्स हो गया, ये mr² हो गया, ये mg हो गया। अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूँ तो फ्रेंड्स ये थीटा क्या होगा, ये नेट फोर्स किसकी वजह से है, इन दोनों की वजह से है। अगर आपको थोड़ा बहुत वेक्टर आता है
तो ये पता होगा कि इसको उठा के यहाँ रखा जा सकता है, इसको उठा के यहाँ रखा जा सकता है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो अब टेन थीटा क्या हुआ, टेन थीटा क्या हुआ, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है इस ट्रायंगल के लिए, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई एम जी। और फ्रेंड्स इस जो ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, इसका स्लोप, इसका स्लोप कितना होगा, अगर इसको, इसको एक्स एक्सिस माने, इसको अगर एक्स एक्सिस माने और इसको वाई एक्सिस माने, इसको अगर एक्स एक्सिस माने और इसको वाई एक्सिस माने, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। स्लोप क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो फ्रेंड्स हमारे पास टेन थीटा के दो रिलेशन आ चुके हैं, है ना फ्रेंड्स। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, टेन थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और टेन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर बाई एम जी इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। एम से एम कैंसिल आउट हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी बचा। तो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स आर है, एक्स ही तो आर है। तो डी वाई बाई डी आर इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी। तो डी वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी इंटू डी आर। अब इसको इंटीग्रेट करा दें, इसको इंटीग्रेट करा दें आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी डी आर को, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ओमेगा स्क्वायर जी इंटू आर स्क्वायर बाई टू। अब इस इसकी ये जो y की वैल्यू आई है, ये जो y की वैल्यू आई है, ये उठा के रख दो यहाँ कहाँ पे, इसमें ले जाके रख दो, तो क्या हो जाएगा, p नॉट प्लस रो जी इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई जी प्लस आर स्क्वायर बाई टू। तो जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p की वैल्यू क्या बचेगी, p इक्वल टू p नॉट प्लस रो आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई टू। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये घूमते हुए बीकर के किसी पॉइंट पे कि एक्सिस से किस की एक्सिस से आर डिस्टेंस पे कितना प्रेशर होगा ये बताया जा सकता है। ऑल राइट फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।